चलते हैं 3.5 के पास, इसका नाम होगा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, देखो वज्र गुणन विधि में होता क्या है कि हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दिया गया है। इधर देखो ब्लैक बोर्ड पर देख, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पहले क्या करेंगे देखो, पहले आप लेंगे x लेंगे तो ये छूट जाएगा, तब b1 का गुणा c2 में या b2 का गुणा c1 में, तब b1 c2 माइनस b2 c1। तब y लेंगे तो y वाला छूट जाएगा, c1 a2 माइनस a1 c2, और एक जब लेंगे तो ये छूट जाएगा, तो a1 b2 माइनस a2 b1। यही है, याद तो नहीं होता है लेकिन आप इसको बना करके लिख सकते हैं। अगर आएगा सवाल पहले उसको रफ, देखो रफ सबसे अंतिम में कर लेना, अंतिम पेज पर, उसके बाद से इसको सूत्र का आप यूज करके हल करना, उसको काट कर देना। चल आ जाओ, आपसे पूछा जाता है कि वज्र गुणन विधि से आप इसको हल करिए तो कैसे हल करेंगे। मान लो एक सवाल आपके पास है, 2x है प्लस y बराबर 5 है। अच्छा, सबको इधर करना पड़ेगा, 5 को इधर कर लो, 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। और एक आपका दिया गया 3x तथा आपके लिखा गया है 3x प्लस 2y बराबर 8, इधर कर लो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा 0 समीकरण नंबर 2 में, 2 हो गया। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आराम से देखो, मैं कहूँ कि a1 का मान बता दीजिए, a1 का मान 3 होगा ना, ना यहाँ पर 2, और b1 का मान है, कामा कर करके लिखिएगा आप लोग, b1 का मान कितना है 1, c1 का मान माइनस 5, और a2 का मान 3, b2 का मान 2, और c2 का मान माइनस 8। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, सूत्र होगा x बटा, देखो तो b1 है c2 है, देख रहे यहाँ पर b1 c2 है, तो 1 गुणे माइनस आठ माइनस, सब इस सूत्र से भरा रहा है इसी से, 2 गुणे माइनस पाँच वाई बट्टा में आई माइनस पाँच गुणे तीन माइनस आई 2 गुणे माइनस आठ, और एक बट्टा में क्या हो जाएगा a1 a2 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 1। बस उसका मान भरा गया कहना से, इसी फार्मूला से आपने भर दिया। अब सुनो, x बटा हाई माइनस का आ जाएगा 8, हाई प्लस 5 दुना 10, y बटा माइनस 15 और प्लस 16, 1/2 दुना 4 माइनस 3, x बटा 10 में से 8 जाएगा 2, y बटा 16 में 15 जाएगा 1, 1/2 का आ गया 4, 1 होगा ना सर, 1/2 होगा, 4 में 3 घटा दे, इतना समय में आया सब। अच्छा, अब लिखेंगे यहाँ पर x के मान के लिए, y वाला मान छूट जाता है, केवल इसके साथ ही वाला ऐसा ले लेंगे, x अपान 2 बराबर 1/1, तो x बराबर ईसा जी गुणा का 2 आ गया। अब तब लिखा आएगा y के मान के लिए, y के मान के लिए, तो y के साथ ये वाला ईसा ले लेंगे, तो y प्लस 1 बराबर 1/2, तो y बराबर कितना आ गया, ये आंसर आ गया। समझ रहे बात को, ये खत्म हो गया। अब आते हैं 4.1 के पास, 3.6 भी है।